हम सब जानते हैं कि समय के साथ हमारे बाल डल और डैमेज हो जाते हैं और हमें पार्लर भागना पड़ता है, पर अब आप अपने बालों की देखभाल घर पर ही कर सकते हैं। हम ले आए हैं 6 ऐसे ट्रीटमेंट्स जो आपको स्वस्थ और चमकदार बाल देंगे, जिसे आप हर जगह फ्लॉन्ट करना चाहेंगे। हेयर मास्क आपके बालों को सही पोषण और परफेक्ट चमक देने में सबसे बेस्ट होते हैं। 2 चम्मच कोको पाउडर और थोड़ा सा नारियल का दूध मिलाकर अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं और फिर 20 मिनट बाद इसे धो लें। कोको पाउडर प्राकृतिक रूप से आपके बालों को चमकदार बनाकर सफेद बालों को कवर करता है, जबकि नारियल का दूध प्रोटीन देता है और डैमेज्ड बालों को पोषण देता है। मास्क को हफ्ते में एक बार लगाकर पाए मुलायम और मखमली बाल। शैम्पू और ट्रीटमेंट्स बालों को डैमेज कर सकते हैं, खासकर तब जब आपके बाल बहुत ही रूखे हो। रूखे बाल, पोषण की कमी, सन डैमेज, बहुत ज्यादा बाल धोने या कठोर प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल की वजह से हो सकते हैं, पर एक अच्छा हेयर रिंस आपके बालों को नमी और पोषण दे सकता है। इस DIY हेयर रिंस के लिए 1 कप पानी, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच वेजिटेबल ग्लिसरीन, 1 चम्मच एप्रिकॉट तेल, 2 चम्मच विटामिन ई तेल और 2 चम्मच तिल का तेल मिक्स करें। इस मिक्सचर को अपने स्कैल्प और बालों पर छिड़के और 30 मिनट बाद धो लें। वेजिटेबल ग्लिसरीन रूखे और नाजुक बालों की देखभाल करता है, जबकि विटामिन ई नमी और चमक देता है। तिल का तेल हेयर ग्रोथ में मदद करता है और स्कैल्प को पोषण देता है, जबकि एप्रिकॉट तेल बालों को टूटने से बचाता है। इस मिश्रण को हफ्ते में एक बार लगाएं और पाए सुंदर और लहराते हुए बाल कई दिनों तक। हर्बल हेयर रिंस में प्राकृतिक पोषक तत्व, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो रूखे बेजान बालों में नई जान डाल देते हैं। इस आसान डिटॉक्स हेयर रिंस को बनाने के लिए 7 से 8 शिकाकाई के बीज और थोड़ा ग्लिसरीन लें। शिकाकाई बीज को रात भर पानी में भिगोए और फिर उसमें 2 चम्मच ग्लिसरीन मिलाए। शिकाकाई क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से भरपूर होता है, जो बालों की ग्रोथ में मदद करता है। इस मिश्रण को अपने स्कैल्प पर लगाएं और 20 मिनट तक रहने दें। रेगुलर शैम्पू से धोए और बेहतर रिजल्ट्स के लिए इसे हफ्ते में 2 बार लगाएं। चमकदार और डैंड्रफ रहित बालों का राज है एप्पल साइडर विनेगर। इस रिंस को बनाने के लिए 1 बोल में 2 से 3 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, नींबू का रस, 1 चम्मच शहद और 1 बूंद लैवेंडर एसेंशियल ऑयल की मिक्स करें। एप्पल साइडर विनेगर हेयर क्यूटिकल्स को साफ कर मुलायम बनाता है और स्कैल्प का पीएच संतुलित करता है। इसके अलावा नींबू कोलेजन का उत्पादन बढ़ाता है, शहद मॉइस्चर को लॉक करता है और लैवेंडर एसेंशियल ऑयल जलन और सूजन को कम करता है। इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों को लगाए और अच्छे से मसाज करें। 20 से 30 मिनट तक के लिए छोड़ दें और फिर माइल्ड शैम्पू से धो लें। इससे आपको तुरंत डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाएगा। फ्लेकी स्कैल्प, डैंड्रफ और बालों का झड़ना किसी को नहीं पसंद, पर इसके लिए महंगे प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं। इसका इलाज आपके किचन में है। इस आसान रिंस के लिए 2 कप पानी उबाले और उसमें डाले करी पत्ता। इसे ठंडा करके अपने बालों पर छिड़के। करी लीव्स एंटीऑक्सीडेंट्स बीटा कैरोटीन से भरपूर होते हैं, जो डेड हेयर फॉलिकल्स को नष्ट कर स्कैल्प को नमी देते हैं। इसे 20 मिनट लगाकर धो लें। इसे हफ्ते में 2 बार लगाकर पाए शानदार शाइनी बाल। सबसे बेहतरीन खाद्य पदार्थों में से एक एवोकाडो एंटीऑक्सीडेंट्स, जरूरी फैटी एसिड्स और विटामिन ए और ई से भरपूर है। इस हाइड्रेटिंग मास्क के लिए 1 पका हुआ मैश्ड एवोकाडो, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच शहद मिलाएं। अगर स्कैल्प ऑयली हो तो मिक्सर को जड़ों से 1 इंच छोड़कर लगा लें, और ड्राई और फ्लेकी स्कैल्प हो तो इसे स्कैल्प पर लगा लें। ऑलिव ऑयल बालों को नमी देने में मदद करेगा, जबकि शहद बालों को चमक और मजबूती देगा। मास्क को 30 मिनट तक लगाए, उसके बाद धो ले और आप पाएंगे स्वस्थ, चमकदार और मैनेजेबल बाल। इन आसान घरेलू नुस्खों से कम पैसों में अपने बालों की देखभाल करें।
इनमें से कोई भी प्राकृतिक DIY तरीके से आप अपने बालों को घर में ही पैम्पर कर सकते हैं, जो आपके बालों को हेल्दी और सुंदर बनाएंगे। Until next time, stay tuned and stay glamorous.